हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं रूपा मेरी माँ की रेसिपी से। और आज मैं बनाने वाली हूं, ये देखिए कितने स्वादिष्ट बने हैं ये। तो जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ही जल्दी बन जाते हैं। इसका नाम है सीम आलू का भुजिया, हम लोग इसे सीम कहते हैं। तो चलिए बनाते हैं। तो ये देख लीजिए पहले इसमें क्या क्या सामग्री लगती है। तो बस घर के ही सामग्री से बन जाएंगे ये। तो ये देखिए सीम इसे कहते हैं, ये देखिए इस तरह के सीम होते हैं। तो इसको हमने इस तरह से काट लिया है और इसका सन भी निकलता है, तो इस तरह से सन निकाल लीजिएगा सारा। उसके बाद इसे धो लीजिएगा। और ये देखिए हमने भुजिया के आकार में ही आलू को काटे हैं, जिस तरह आलू का भुजिया बनता है वैसा ही आलू काटिएगा। और ये देखिए इस तरह के बिच्चे होते हैं और ये होते हैं सीम। तो इसी का भुजिया हम बनाएंगे। तो सबसे पहले कढ़ाई में हम डालेंगे सरसों का तेल। तो हमने 2 चम्मच सरसों का तेल डाले हैं, आप जो तेल यूज करते हैं वही तेल डालिएगा। फिर साथ में डाल देंगे 1 छोटा चम्मच मेथी। इसको हल्का लाल करेंगे। तो ये देखिए हल्का लाल हो चुका है। अब हम तुरंत डाल देंगे जो हमने सीम को धो के रखे थे ना, बस वो डाल देंगे। और साथ में ही हम आलू को भी डाल देंगे, क्योंकि हमें इसे तुरंत बनाना है। बहुत जल्दी बन जाते हैं दोस्तों, नाश्ता में बनाइए बहुत अच्छे लगेंगे। तो फिर अभी हमने डाला है स्वाद अनुसार नमक, इसे हम इस तरह से चला लेंगे। उसके बाद इसे हम ढक करके भूनेंगे। तो पहले हम तेज आंच में भूनेंगे। तो ये देखिए तेज आँच है हमारा। तो उसके बाद हमने इसे लो कर दिए थे और इसे मीडियम आँच में ही इसे इस तरह से भून लीजिएगा। आधा भुनाने के बाद इसमें मसाला डालेंगे। तो सबसे पहले हम डालेंगे हल्दी, तो हमने डाला है 1/2 चम्मच हल्दी। फिर इसमें हम डालेंगे भूका लाल मिर्च, तो 1/6 चम्मच से हमने थोड़ा सा डाले हैं क्योंकि बच्चे लोग खाते हैं। उसके बाद हम इसमें डालेंगे लहसुन का पेस्ट, तो हमने 2 चम्मच लहसुन का पेस्ट डाले हैं क्योंकि इसमें लहसुन की मात्रा ज़्यादा लगती है। और ये देखिए हमने 1 बड़ा चम्मच थोड़ा सा पानी डाल दिया है ताकि मसाला अच्छा से सब में लटपट हो जाए। तो अगर आपको ज़्यादा तीखा पसंद है तो इसमें तो हरा मिर्च भी बारीक काट के डाल सकते हैं। तो इसे हमने ढक के भून रहे हैं 3-4 मिनट के लिए। ये देखिए अभी आधा भुनाया है, इसे खड़ा करके भूनिएगा तो आपको अच्छे लगेंगे। तो इसे हम फिर से ढक दे रहे हैं। 2-3 मिनट हो चुका है हमारा। तो ये देखिए हमारा भुंजिया बनके तैयार हो गया है। ये देखिए बहुत अच्छी खुशबू भी आ रही है, बहुत अच्छे लग रहे हैं देखने में। तो इसे आप दोस्तों चावल के साथ या रोटी के साथ खाइए, सबके साथ अच्छे लगते हैं। तो मैं अब गैस ऑफ कर देती हूँ। ये हमारा सीम का भुजिया बनके तैयार हो गया है। तो चलिए प्लेटिंग कर लेते हैं इसकी। ये देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं और ये आपको पसंद भी आएंगे। अगर आप सीम के सब्जी खाते हैं तो आपको सीम का भुजिया ज़रूर पसंद आएगा। तो ठंड के दिनों में सीम मिल रहा है दोस्तों, ज़रूर बनाइएगा एक बार सीम का भुजिया। तो फ्रेंड्स, आज का टिप्स भी बहुत ही यूजफुल है, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत ही काम आएंगे ये टिप्स। तो अगर आप कुछ खाते हैं तो आपका पेट दुखता है या फिर खाना पचता नहीं है, ये आपके साथ हमेशा होता है, या फिर आपके पेट में पथरी है, तो अगर आप चाहते हैं कि ये चीज़ है आपके पथरी जो आपके पेट से निकल जाए, तो मैं एक उपाय बताऊंगी, एक क्या मैं 3 उपाय बताऊंगी इसे करने से आपके पेट की पथरी भी आपके निकल जाएंगे और साथ में खाना जो नहीं पचता है वो भी पचने लगेगा। तो पहला उपाय है ये सौंफ। सौंफ खाने से बहुत फ़ायदा है दोस्तों, पर इसके मैं 2-3 ही गुण बताऊंगी। इसे खाने से बहुत जल्दी खाना पच जाता है, अगर पेट मुंह में दुर्गंध है तो वो भी हट जाते हैं, अगर पिंपल्स है तो चेहरे में पिंपल्स भी हट जाते हैं। और ये दूसरा है अजवाइन। जी हाँ दोस्तों, इसमें मंगरेला मिला हुआ है, लेकिन आपको सिर्फ अजवाइन खाना है। अजवाइन खाने से आपके खाने बहुत जल्दी पच जाएंगे। तो इसे खाना खाने के बाद ही खाइएगा थोड़ा सा। और ये तीसरा मैं बताने वाली हूँ गुड़। तो आपको ये तीनों में से एक खाना है, या फिर गुड़ खाइए या फिर अजवाइन या फिर सौंफ, ये तीनों में से एक ही खाना खाने के बाद खाइएगा दोस्तों। अगर आपको ज़्यादा फायदा चाहिए, अगर आपके पेट के में पथरी है वो आप चाहते हैं निकल जाए, तो आप रात में इसे भिंगो करके 1 गिलास पानी में रखिए, सुबह इसे पीजिए। या फिर अगर आपके पोटी क्लियर नहीं हो रही है, आप चाहते क्लियर हो जाए, तो गर्म पानी में गुड़ को घोल के पीजिए सुबह सुबह, तो आपकी पोटी भी बहुत जल्दी क्लियर हो जाएंगी। और ये बहुत अच्छा उपाय है, जरूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको ये टिप्स या रेसिपी अच्छी लग रही है, प्लीज़ दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और आइकन बेल को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरे वीडियो के हर वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और दोस्तों अगर आपको अच्छे लग रहे टिप्स या रेसिपी तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। बाय।